ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 3 सतो वित्ते, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। गृहस्थ भक्तों के लिए सतोवृत्ते, सतोवृत्ति साधु जनों का अनुसरण करते हुए वृत्ति क्या है वो हमने चर्चा की, अर्थात इस भौतिक जगत में जीने की शैली, सामाजिक नियम इत्यादि। अभी फिर भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो सन्यासी हैं, वैरागी, जिनकी भगवान की सेवा का जो करते हैं वो वैरागी भाव में करते हैं, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी इसके अंतर्गत आ गए। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों पूरी तरह से गुरु के ही सेवा प्राथमिक रूप से उनके जीवन का भाग होता है, और प्रचार। तो इस तरह से दोनों के लिए क्या जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उनको अपना शरीर का भरण कैसे करना चाहिए, इस विषय में चैतन्य महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद भक्तगणों के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, और ये सभी के लिए जाना ज़रूरी है, गृहस्थ भक्तों के लिए जाना भी ज़रूरी है। समाज में सभी को इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जो सन्यासी हैं उन्हें भिक्षा करके, भिक्षा के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र में के जप में मग्न रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को इस विषय में बहुत सारे निर्देश दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी वो मुख्य रूप से वैराग्य, एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए आदर्श, उसकी पराकाष्ठा वो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से हम देख सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को निर्देश देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भाल कैल वैरागीर धर्म आचरिल। अच्छा है आपने वैराग्य धर्म का आचरण किया। तो क्या है वैराग्य धर्म, उसके कुछ मुख्य चीजें बता रहे हैं। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइया करे जीवन रक्षण। सदा नाम संकीर्तन करता है और मांग करके भिक्षा लेके अपने जीवन का रक्षण करता है, और वैरागी को इस प्रकार से दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए, यानी किसी की नौकरी या किसी पर आश्रित, मतलब उसकी बात मानना, उसके अनुसार चलना और तभी उसका भरण पोषण हो, ऐसा नहीं। वैरागी हैया ये वह करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। यदि वैरागी जो है पर अपेक्षक, पर दूसरे के ऊपर उपेक्षा अपेक्षा करता है, दूसरे से अपेक्षा करता है, यानी दूसरे ऊपर निर्भर होता है, तो उसको उसका जो कार्य है उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, यानी जो आध्यात्मिक प्रगति जो उसका अभीष्ट है वो उसको प्राप्त नहीं होता है, कृष्णा उसकी उपेक्षा करते हैं। एक वैरागी को उसकी जिह्वा का दास नहीं होना चाहिए। वैरागी होया करे जिह्वार लालस, परमार्थ याय आर हय रसेर वश। परमार्थ को छोड़ के रस, ये जो जिह्वा है उसके वश में अगर कोई आ जाता है, जिह्वार लाल से यही इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो अगर जिह्वा की लालसा से वो इस घर में अच्छा मिलेगा, उस घर में अच्छा स्वादिष्ट मिलता है, इसलिए इस घर में भिक्षा करने जाएंगे, इस घर में लेंगे, ऐसी प्लानिंग करता है यदि कोई विरक्त सन्यासी, तो फिर वो शिष्णोदर परायण हो जाता है,
यानी जननेन्द्रियाँ और उदर उसका दास बन जाता है और फिर उसको कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कि बहुत कड़ाई से जो भी जिसका आश्रम है उसके आश्रमों का वो कड़ाई से पालन करे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। गृहस्थ है तो वहाँ पर वो धार्मिक तरीके से पत्नी के साथ रहे, संतान उत्पत्ति करें, लेकिन अगर सन्यासी हैं तो फिर सन्यासी के अनुसार उनको अपना धर्म का पालन करना चाहिए। फिर सन्यासी को उसका जो खाना होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, उदर भरण के लिए उसे केवल जितना सादा आहार हो ऐसा आहार लेना चाहिए, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले आहार नहीं होना चाहिए। वैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तन शाक पत्र फल मूल मूले उदर भरण, शाक पत्र फल मूल, कंदमूल फल शाक, यानी सिंपल उसका होना चाहिए। पकवान रेगुलर बेसिस पर पकवान खाना, तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी उन सब के लिए नियमित रेगुलर बेस पर पकवान खाना वो सही नहीं है। यहाँ पर पकवान का अर्थ है डीप फ्राइड, तेल और घी में फ्राई किए हुए चीज़ें पकवान। तो इसलिए हमारे जो मंदिर हैं वहाँ पर विशेष रूप से वो ब्रह्मचारियों का स्थान है रहने का, तो वहाँ पर भी सामान्य रूप से इस बात का पालन होना चाहिए। हालांकि थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड जनरली आश्रमों में ऐसा नहीं होता है, इतना सिंपल, थोड़ा सा ज़्यादा ऑपुलेंट होता है और कई जगह काफ़ी ऑपुलेंट होता है, क्योंकि आजकल ब्रह्मचारियों को टिकाए रखना वो भी एक बड़ा चैलेंज है। आदर्श ब्रह्मचारी, आदर्श सन्यासी, आदर्श गृहस्थ, ये सभी चीज़ें बहुत मुश्किल होती आ रही हैं, लेकिन ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा मार्ग यही होना चाहिए, इस तरफ बढ़ना चाहिए आगे। एक वैरागी को, सन्यासी को ना तो ग्राम में कथा सुननी चाहिए ना सुनानी चाहिए प्रजल्प, सामान्य बातें, सामान्य बातें, सोशल, जिनका कोई भक्ति से कोई संबंध नहीं है, ऐसी चीज़ें उनको ना सुनना चाहिए ना सुनाना चाहिए। और बहुत उसके जो पोशाक होनी चाहिए, वस्त्र जो धारण करे वो बहुत सरल होने चाहिए। ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य वार्ता ना कही बे, भाल ना खाई बे यार, भाल ना पेरी बे। इससे जो धोती भी होती है तो वो बॉर्डर वाली धोती, वो ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो उस प्रकार धारण नहीं करते हैं। और फिर एक और चीज़ यहाँ नहीं लिखी है लेकिन मुझे अभी ध्यान आया, उनके कान नहीं भेदे जाते हैं, करेक्ट, नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी महाराज मना किए ना, तो कल क्या हुआ, ललित गोविंद प्रभु बड़ौदा में सबके कान भेदन करने के लिए आ गए, तो सब ब्रह्मचारी के भी कर रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी ने भी फ़ोन किया, तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नहीं करने हैं, उनको पता नहीं था। तो फिर उसका आश्रम चेंज कर देना चाहिए। हाँ लेकिन वो तो बचपन में होता है ना, जब जिसका नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का है और संन्यास रहने का है तो फिर आभूषण, अंगूठियाँ, ये सब ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ये सब इतना भी भोग विलास कि जहाँ भनक भी हो वो भी सन्यासी के लिए नहीं है, नो एन्जॉयमेंट एट ऑल, वो स्पष्ट अंतर दिखना चाहिए एक वैरागी के जीवन में। गृहस्थ को भी आगे जा कैसा होना चाहिए, मतलब हाँ जब वो सन्यास लेंगे तब, मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब सन्यास तो सभी के लिए अलाउड नहीं है, मतलब हाँ, तो फिर वानप्रस्थ के नियम आप पढ़ेंगे, वानप्रस्थ में जो तपस्या है, सन्यास वानप्रस्थ का जो आश्रम है उसमें जो ये स्तर है वो तो वैसे ही है, सन्यासी ऐसे ही हैं, नहीं वानप्रस्थ के लिए उन्होंने नहीं दिया है अलग से, लेकिन वानप्रस्थ का भागवतम में है, जहाँ पर वर्णन है ना सभी आश्रमों का, वहाँ पर वानप्रस्थ का मुख्य है तपस्या, उसका जो केंद्रीय भाग है वो है तपस्या, वानप्रस्थ मतलब तपस्या, तपस्या का, हाँ सब कॉमन होंगे का।
तो कई लोग ऐसे उनका अनुकरण करके सन्यासी भी अंगूठे और सब धारण करते हैं। देखिए हमेशा हर जगह कुछ अपवाद कुछ होता है, वो उसका कुछ कारण होता है पीछे। तो एक सिंसियर व्यक्ति कभी भी ऐसे अपवाद को देख करके नियम नहीं बनाएगा, वो जानने की कोशिश कर सकता है कि ये क्यों हुआ ऐसा अपवाद है। तो कई लोग ऐसे करते हैं या अनुकरण करना है तो दूसरे से भी अनुकरण करने का है ना प्रभुपाद की, पूरी पृथ्वी में इतना घूमना, इतना प्रचार करना, इतने भक्त में इतनी किताबें लिखना, उसका भी अनुकरण कर सकते हैं। 2 घंटे सोने मैं बोल फिर वैरागी को सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और दूसरों को हमेशा सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमानी मानद हय्या कृष्ण नाम सदा लैबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। अमानी मानद, अपने मान सम्मान की इच्छा ना करना और दूसरों को मान सम्मान देना, और इस प्रकार से हमेशा कृष्ण नाम में रत रहना। फिर उसे अपना जो जन्म स्थान है और जहाँ पर उसके सभी कुटुंबी जन हों, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। सन्यासी रा धर्म नहे सन्यास करीना करिया, निज जन्म स्थाने रहे कुटुंब लिया। तो अपने कुटुंबी जन से दूर उसको रहना चाहिए। तो इस विषय में कल आप बता रहे थे ना, भक्तिदान सरस्वती महाराज जब सन्यास लिए उसके बाद फिर अपने घर के वरांडे तक आए, उसके आगे नहीं आए। और जो भक्ति कुटीर था वहाँ गए, क्योंकि वो एक भौतिक जगत का स्थान ही नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जगत का स्थान था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हम लोग हैं, हमको भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या स्तर क्या करना है, वो बहुत सारी विचारणीय प्रश्न हैं इसमें। जैसे एक ही कोई व्यक्ति हो, सो माता पिता एक ही लड़का है और फिर माता पिता बीमार होते हैं, या जैसे आपके केस में हुआ था पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, उस केस में क्या करना है। शंकराचार्य तो उनकी माता ने उनसे वो लिया था प्रॉमिस कि मेरा दाह संस्कार करने के लिए तुम आना, तो फिर वो दाह संस्कार करने के लिए आए थे। सामान्य नियम क्या है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें गहराई में जानने योग्य हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो अपना जन्म स्थान और जहाँ सब कुटुंबी जन हैं सब उनके साथ घुलना मिलना रहना, वो सब उसके लिए नहीं है। एक वैरागी को राजा और स्त्री उससे नहीं मिलना चाहिए, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोले उसको प्रताप रुद्र से, मैं नहीं मिलूँगा। विरक्त सन्यासी आमार राजा दर्शन स्त्री दर्शन सम विशेर भक्षण। तो मेरे लिए राजा का दर्शन ऐसे ही जैसे स्त्री का दर्शन, वो विषय का भक्षण है, तो इसलिए मैं दूर रहूँगा। तो इसलिए सन्यासी तो वो जो है, ये सामान्य नियम है। ऑफ कोर्स शास्त्र के और भी नियम हैं, जैसे कि युक्त वैराग्य भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वैराग्य है और फिर युक्त वैराग्य भी है, अनासक्त स विषयान। तो उसमें कृष्ण सेवा के लिए कोई विशेष परिस्थिति में यही सब नियमों का सार को धारण करते हुए अभिव्यक्त रूप में अलग प्रकार से भी उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। जैसे हम देखते हैं भक्तिदान सरस्वती महाराज दोनों प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किए। वैरागी जीवन सामान्य जो बाहर से पूरा बाहर से अंदर से दोनों से है, वैसा भी हम देखते हैं पूरा कंप्लीट जब वो नाम यज्ञ किए, और जब प्रचार का समय आया तो उन्होंने देखा कि उस समय का आवश्यकता है प्रचार में, तो इसलिए प्रचार के लिए उन्होंने फिर आधुनिक चीज़ें जो सामान्य रूप से वर्जित हैं एक सन्यासी के लिए, ऐसी चीज़ों का उपयोग भी किया, और फिर प्रभुपाद ने भी उसको आगे कंटिन्यू किया। तो ये दोनों सिद्धांत हैं, लेकिन इनको दोनों को तारतम्य इनका सही प्रकार से सामंजस्य समझना होगा। अपने भोग के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए यदि वास्तव में जरूरी है, यदि वास्तव में उससे प्रचार में विशेष मदद होती है तो फिर इन चीज़ों का उपयोग हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी लैपटॉप लेके बैठे हैं, तो ये भी अभी एक सन्यासी के लिए ये सब आधुनिक चीज़ें, चप्पल पहनना, मच्छरदानी यूज़ करना, गाड़ी में बैठना, एयरप्लेन की तो बात बहुत दूर की है, ये सब चीज़ें सामान्य, क्योंकि ये सब भोग विलास के लिए बनाई गई हैं चीज़ें,
लेकिन जैसे महाराज एक ये बता रहे थे मुझे एक भक्त कि वो महाराज के साथ जा रहे थे फ्लाइट में, वो तब तक फुल टाइम नहीं थे तो वो ये हवाई चप्पल पहने हुए थे, तो महाराज ने उनको बोला आप इस तरह से आए फ्लाइट में साथ तो हवाई चप्पल नहीं, थोड़ा चप्पल ठीक पहन के आइए। सो भी ये एक जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी ब्रह्मचारियों को जो हमारा ट्रेडिशनल जो शास्त्र में लिखा हुआ है ब्रह्मचारी वेश, तो उस तरह से नहीं कहा क्योंकि वो आज की परिस्थिति में वो लोग उसको एट प्रेजेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है भविष्य के आने वाले समय में ये संभव हो जाए लेकिन वर्तमान समय में वो उसकी वजह से प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना? डियर स्किन करेक्ट सो इसलिए वो भी एक बात है, पर उसकी वजह से क्या होता है कई बार फिर हम इसका दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा बहुत होता है, युक्त वैराग्य के नाम पर हम लोग अपना भोग करते हैं और उसको केवल, तो बहुत सावधानी से देखना है कि क्या वास्तव में ये जरूरी है प्रचार के लिए, क्या मैं अपने भोग के लिए तो नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं तो फिर वो संन्यास आश्रम का नियम पालन भंग हो रहा है और फिर उससे हमें बहुत परेशानी होगी। लाइक मोबाइल्स स्मार्टफोन्स ये सब चीज़ें प्रचार में यूज़ हो सकती हैं लेकिन हो सकता है दोनों में भी यूज़ हो, प्रचार के लिए भी और थोड़ा आपके इंद्रिय भोग के लिए भी है, तो इसलिए वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। फिर आगे एक सन्यासी को दोष रहित होना चाहिए। शुक्ल वस्त्रे मसीबिंदु याइच्छे ना दुकाए सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाए। जैसे एक सफ़ेद कपड़े में एक थोड़ी सी भी इंक मसी बिंदु, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, शाही शाही, थोड़ी सी भी एक शाही काले रंग की शाही कुछ धब्बा छोटा सा भी तो एकदम से दिखता है, तो उसी प्रकार से सन्यासी के चरित्र में यदि थोड़ा सा भी कुछ दोष है तो सर्व सब लोग उसके उसको बखान करेंगे, उसको गाएंगे यानी उसका उसकी भर्सना करेंगे। प्रभु कहे पूर्ण याइचे दुग्धेर कलश सुरा बिंदु पाते के हो ना करे परश। तो एक दूध का एक पात्र है, पूरा दूध है उसमें लेकिन एक बिंदु भी उसमें अगर विष मिल जाए तो फिर वो पीने लायक नहीं रहता है। तो इस तरह से सन्यासियों को उनका आचरण ऐसा रखने की आवश्यकता है कि दूर से दूर तक भी कहीं कोई लांछन ना लगा पाए, एक्स्ट्रॉर्डिनरली केयरफुल होने की जरूरत है। केवल ऐसा नहीं कि हाँ हम अंदर से तो ठीक हैं लेकिन इवन बाह्य रूप से लोग ऐसा उसका लिंक भी नहीं बना पाए, ऐसा करके रहने की आवश्यकता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के हम जीवन में देखते हैं संन्यास आश्रम के अंदर उन्होंने किस प्रकार से बहुत कड़ाई से संन्यास के नियमों का पालन किया। फिर आगे एक सन्यासी को कृष्ण सेवा में डूबे रहना चाहिए और खाना और स्नान तो एक आदत है इसलिए करता है, ऐसा होना चाहिए, उसमें मतलब चित्त नहीं होना चाहिए खाने में और सामान्य चीज़ों में, चित्त उसमें नहीं होना, चित्त कृष्ण सेवा में होना चाहिए, बाकी चीज़ें एज ए हैबिट चल रही हैं साथ उसकी तरफ उसका ज़्यादा उसका वो नहीं। प्रेमे गर गर मन रात्रि दिवसे स्नान भिक्षादि निर्वाह करे न अभ्यासे। केवल अभ्यास पूर्व अभ्यासवत स्नान और भिक्षा इत्यादि कर रहे थे और प्रेम गर गर मन रात्रि दिवसे रात और दिन प्रेम में विह्वल थे। फिर आगे एक झूठे सन्यासी की ढोंगी सन्यासी के लक्षण चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण देखीते ना पारो नामी तहार वदन। जो व्यक्ति स्त्री के साथ इंद्रिय भोग की वासना भावना से संभाषण करता है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। वदन आमी ना पारो नामी तहान वदन, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ उसका मुख देखने के लिए भी। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारवी प्रकृति हरे मुनेर अपि मन। एक लकड़ी की स्त्री की प्रतिमा भी एक मुनि का मन हर सकती है। तो एक स्त्री जीती जागती स्त्री से
संभाषण करने के विषय में तो क्या कहा जाए। तो भगवान ने ये रूप इस प्रकार से बनाए हैं स्त्री और पुरुष का, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है जिस विज्ञान के चलते पूरी सृष्टि चल रही है। स्त्री की अपनी भोग करने की आवश्यकताएं हैं, पुरुष की अपनी भोग करने की आवश्यकताएं हैं। दोनों को फुलफिल करने के लिए भगवान ने दोनों का इस प्रकार से स्वभाव और रूप बनाया है कि दोनों एक दूसरे को भोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो स्त्री का रूप है तो पुरुष जो है वो स्त्री के रूप से आकर्षित होता है, और फिर स्त्री की सारी जो बाकी इच्छाएँ हैं पैसा आभूषण इत्यादि वो सब पूरा करता है क्योंकि वो उसके रूप। तो ये एक दोनों को एक दूसरे का इंद्रिय भोग की आवश्यकताएं पूरे करने के लिए बनाए हैं। तो इस प्रकार से जो रूप है, जो सन्यासी है, जो सभी लोग सन्यासी क्या, सभी लोग को ये तो समझना ही चाहिए कि वो जो स्त्री रूप है वो उसी प्रकार से है जैसे कि एक पतंगे के लिए अग्नि, अग्नि का रूप वो फंदा है, वो समझना चाहिए उसको। वो किसी अपमान की दृष्टि से नहीं है लेकिन वो यथार्थ है, वो वास्तविकता है। और पुरुष वो स्त्री के लिए है क्योंकि वो पुरुष जो है वो कमाए पैसा लाए और सब बहुत सारी और बाकी सब इच्छाएं वो वहाँ पूरी हों। तो इस तरह से दोनों की इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन जो सन्यासी है फिर अगर उससे उससे दूर रहना है तो फिर उसे सावधान रहना होगा, साधु सावधान। शुद्र जीव जीव सब मर्कट वैराग्य करिया इंद्रिया चराण बुले प्रकृति संभाषिया। प्रभु कहे मोर वश नहे मोरा मन प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे दर्शन। तो मेरा मन जो है वो वश में नहीं रह सकता अगर कोई प्रकृति यानी कोई स्त्री के साथ कोई संभाषण कर रहा है या उसके साथ कोई इंद्रिय भोग में लिप्त है, उसको देखने पर भी मन विचलित रहता है। चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे, ब्रह्मा शिवा हम सबके जीवन में देखते हैं ना ये उदाहरण, इसलिए वो कोई वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। वो ये तीनों गुणों के प्रभाव से वो सब सब रग रग में घुसा हुआ है, इसलिए उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए इसके लिए केवल एक ही उपाय है, सावधानी। आमी तो सन्यासी आपनारे विरक्त करिमानी दर्शन रहु दूरे प्रकृति रे नाम यदि सुनी। अगर मैं स्त्री का नाम भी सुनता हूँ तो मैं दूर रहता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तबहिन विकार पाए मोर तनु मन प्रकृति दर्शने स्थिर है कौन जन। केवल स्त्री का नाम सुन के ही मन में विकार आने शुरू आते हैं, तो स्त्री का दर्शन करके कौन है जो जिसके मन में विकार नहीं है। फिर एक वैरागी को, सन्यासी को जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना खुद के लिए ना दूसरों को खिलाने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पहले क्या करते थे, जब आए थे शुरू शुरू में घर भाग के तो पिताजी के यहाँ से वो ही लेते थे, चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे लेकिन अपने घर से जो आता था उससे बनाते थे। तो उसके विषय में फिर उन्हें कुछ समय बाद उनको लगा नहीं ये ठीक नहीं, ये सब मेरे पिताजी सब विषय हैं, इन लोगों का अन्न लेकर के मैं चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा ये देता हूँ प्रसाद देता हूँ ये सही नहीं है। तो इस विषय में फिर चैतन्य महाप्रभु को जब पता लगा तो उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ विषयी द्रव्य लैया करी निमंत्रण प्रसन्न ना है इहाय जानी प्रभु रमन। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं कि विषयी द्रव्य लैया, विषयी लोगों का द्रव्य लेकर के निमंत्रण मैं देता हूँ तो इससे चैतन्य महाप्रभु का मन प्रसन्न नहीं होगा। मोरा चित्त द्रव्य लहिते ना है निर्मल यही निमंत्रण देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। तो मेरा मन भी ये लेकर के इसको ऐसे करने से कोई निर्मल नहीं हो रहा है, कलुषित ही रह रहा है, इसलिए
ये केवल प्रतिष्ठा मात्र हो रही है, प्रतिष्ठा का ही काम हो रहा है और इससे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। इसी तरह यदि जैसे हम हाथ के पंडल में सोचे तो प्रचार में हम जब दान ग्रहण करते हैं हाँ बाहर से इसी अलग ही है। हाँ इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि इसलिए और एक्स्ट्रॉर्डिनरली केयरफुल रहने की जरूरत है, मतलब हमको बिल्कुल भी इफ़ इट इज़ एक्ट परफेक्टली ओनली फॉर कृष्णा सेटिस्फेक्शन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तनिक भी उसमें अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए, वो भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, तो फिर अंततः संभव है। सनातन मंदिर बनवाते हैं किसी से, मदन मोहन जी की हाँ वो लेकिन हाँ कहते हैं कि आप उनके लिए मंदिर बनाते हैं हाँ राधा मदन मोहन जी के लिए हाँ तो वो ही वांटेड टू स्पेंड मनी हाँ तो सनातन गोस्वामी अपने लिए तो कुछ भी नहीं दिए लेकिन राधा मदन मोहन के लिए मंदिर बनाए। हाँ इस तरह के बिल्कुल इस भावना में हम धन एकत्र करते हैं, यही शिल्प ने हमको ये सिखाया है कि कैसे यस भगवान लक्ष्मी अगर हम तैयार हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए तो वो सब है। तो इसलिए आचार्य जो हैं अलग अलग लीलाओं से अलग अलग उनकी क्रियाओं से अलग अलग पॉइंट्स वो करते हैं इस्टेब्लिश करते हैं जो सभी पॉइंट सही हैं और फिर उनका सामंजस्य होना है किस परिस्थिति में क्या चीज़ कैसे उपयोग होनी है। तो ये वैराग्य ये सिद्धांत भी सही है और कैसे उसको एक भगवान की सेवा में यूज़ हो वो भी सिद्धांत सही है, तो इसलिए वो दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखते हमें कार्य करना होता है, इसलिए फिर वो समय परिस्थिति स्थान को ध्यान में रखे करना पड़ता है। यस यस जैसे जैसे वर्णाश्रम की तरफ जाएंगे उतना ये आदर्श रूप में हम इसको सब विवृत कर पाएंगे, और अभी भी आंतरिक रूप से हमें आदर्श रूप में रखना है भले ही उसकी बाह्य जो है वो इधर उधर हो टाइम प्लेस सरकमस्टेंस के अनुसार, लेकिन अंत आंतरिक रूप से तो वो सिद्धांत यही कायम होने चाहिए। एक वैरागी को बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण गृहों का निर्माण नहीं करना चाहिए। एक कुंज जल आर तुलसी मंजरी सात्विक सेवाई शुद्ध भावे करी द्वि दिके द्वि पत्र मध्य कोमल मंजरी ऐ मत अष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करी। तो सिंपल तरीका भगवान की पूजा करने का वैरागी के लिए सन्यासी के लिए उनको सिंपल शालिग्राम पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा में केवल तुलसी मंजरी, तो कह रहे हैं आठ तुलसी मंजरी जिनके दोनों तरफ पत्तियां हों और जल, तो ऐसा करो सफिशिएंट, इसमें और कोई झंझट, मतलब एक वैरागी जो है फिर उसके लिए वो सादा इस प्रकार से कर सकता है। और यदि उसके पास क्षमता है कि वो उस पैसे को लोगों के धन को भगवान की सेवा में लगा सके बिना प्रभावित हुए तो वो संभव है, इसलिए वहाँ पर भक्ति सामर सिंधु के तात्पर्य में वहाँ पर बताया गया है कि कैसे। तो सन्यासी वैरागी हैं वो अपनी अपनी उनकी क्षमता अलग अलग है उसके अनुसार उनको कार्य करना पड़ेगा। सामान्य निर्देश है अधिक शिष्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर सबकी अपनी अलग अलग क्षमता है तो वो क्षमता का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये विषय भी इसी प्रकार से है। मंदिरों में जैसे अर्चन वो पारंपरिक रूप से जैसे मंदिर कोई बनाया बड़ा सा थोड़ा तेज बोलिए सब सुनेंगे तो मुझे बोला मंदिर जैसे बनाया पारंपरिक तरीके से तो उसमें जो भव्य मंदिर होते हैं उसमें सन्यासी नियमित अर्चक के रूप में सेवा प्रदान कर सकते हैं ऐसा पूछ रहे हैं क्या कि हमारे यहाँ उनके लिए वो अनुकूल है शास्त्र शास्त्रोक्त है नियमित नियमित अर्चक के रूप में ऐसे तो फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं आप ओकेजनली आगे हाँ सामान्य रूप वहाँ पर भी उनको परमानेंट नहीं रखा जाता है इसलिए वो दो साल पर आए कुछ समय को उनको फिर बाहर जाने के लिए बोला जाता है ना प्रचार के लिए जाइए नित्य रूप से यहाँ मत रहिए। रेगुलर होती है हाँ मतलब ऐसे अर्चक वगैरह पूजा करना कह रहे हैं
लेकिन वहाँ पर वो जो उसमें उस समय पर्याय में नहीं है वो वहाँ पर उस समय करते हैं ना पूजा रेगुलर। सबके अपने इंडिविजुअल भी मठ में भी एक विग्रह होते हैं। वो तो अपने अपने पर्सनल विग्रह तो छोटे वो अपने हाँ पर्सनल विग्रह पर्सनल विग्रह तो बहुत सारे हमारे आचार्यों के सनातन गोस्वामी हो सकते हैं। लेकिन अर्चक विग्रह में जो जो मेन डेटीज हैं जो मेन डेटीज हैं उडुपी के अंदर जो उनकी जो पूजा होती है तो वो एक जो समय है उस समय में वो सन्यासी की पूजा करते हैं बाकी लोग नहीं करते जहाँ तक मेरे को जानकारी तो उनका वो एक समय वहाँ पर तो सब गृहस्थ हैं श्रीरंग में तो जियर तो गृहस्थ होते हैं जियर हाँ लेकिन उसमें ऐसे नियमित रूप से वहाँ पर नहीं रहते हैं वो तो प्रचार इस प्रकार से करते हैं भ्रमण करके। लेकिन ऐसा कि वो नहीं कर सकते हैं ऐसा पता नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अच्छा हाँ सामान्य रूप से नहीं करते थे लेकिन या इन जनरल लेकिन उसका ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है करना। श्री प्रभुपाद के स्वयं देखते हैं अलग अलग सन्यासियों कुछ को एक ही चीज़ को डेवलप करने का कार्य सौंपा गया है। इवन हमारे खैर तो बाबा जी हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उस स्टेज में तो उनको वृंदावन में ही आप वृंदावन को डेवलप कीजिए ऐसा भी आदेश दिया। फिर आगे कहा गया है कि कुछ लोग सन्यास धारण करते हैं विशेष रूप से अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए। तो इस विषय में सनातन गोस्वामी के चरित्र के विषय में कहा गया है तबे मिश्र पुरातन एक धूति दिला तेनो दुई बहिर्वास कौपि न करिला। तो जब सनातन गोस्वामी वो आए चैतन्य महाप्रभु के पास तो वहाँ पर तो उनको एक धोती दी नई धोती तो उन्होंने मैं नई धोती मत दीजिए मुझे पुरानी धोती दीजिए आपकी। फिर उन्होंने पुरानी धोती दी तो पुरानी धोती को भी उन्होंने एक बहिर्वस बना लिया और कौपिन बना लिया यानी कि आवश्यक सादे जीवन की तरफ रुझान। फिर सनातन कहे आमी मधुकारी करीबा ब्राह्मणेर घरे के न एकत्र भिक्षा लबा। तो उनको फिर आमंत्रित किया सनातन गोस्वामी को कि आप जो है हर जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक आप हर दिन मेरे यहाँ पर आकर के भोजन कीजिए। तो इसके रिप्लाई में इसके उत्तर प्रत्युत्तर में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं मधुकरी करूँगा मैं ऐसा नहीं कि एक ही ब्राह्मण के यहाँ फिक्स होकर के खाऊँगा। तो मधुकरी हर बहुत कुछ गृहस्थों के घर से थोड़ा थोड़ा लेना वो और अधिक रिकमेंडेड है सन्यासी के लिए। फिर भगवान ने इसके संदर्भ में क्या कहा जब भगवान ने सुना हाँ तो भगवान आए कहते हैं तिन मुद्रार भोटगाय मधुकरी ग्रास धर्म हानि होय लोक करे उपहास। कि उनके पास एक बहुत अच्छी ब्लैंकेट थी वुलन बोल रहे अगर तुम ये अच्छी सी ब्लैंकेट पहन करके मधुकरी करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे और धर्म की हानि होगी करें। तो एक तरफ वो दिखा रहा है भोग वासना और दूसरी तरफ हम मधुकरी कर रहे हैं दोनों रसाभास हैं। तो फिर ये सुन करके फिर उन्होंने जा करके उसका विनिमय कर दिया था है ना। सो पॉइंट इज सन्यासी के लिए जितना सादा हो सके उतना अच्छा जितना सादा जीवन जितना सादी चीज़ें सब। फिर एक गृहस्थ वैष्णवी को सन्यासियों के संदर्भ में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके विषय में एक श्लोक है पूर्ववत प्रभु कैला सबार मिलन स्त्री सब दूर हैते कैला प्रभुर दर्शन। जैसे चैतन्य महाप्रभु से पहले सभी लोग मिलते थे उसी प्रकार से सभी मिले लेकिन अभी सन्यास लेने के बाद जो सभी स्त्रियां थीं उन्होंने दूर से प्रभु का दर्शन किया। तो इसलिए स्त्रियों को तो जो सन्यासी हैं तो दूर से उनका दर्शन करना चाहिए।
एक वैष्णव एक साधुओं का अनुगमन करते हुए वृत्तियां जो गृहस्थ भक्त और सन्यासी जन के लिए समान हैं, कल हमने सन्यासी भक्तों के लिए क्या स्वभाव उनका होना चाहिए उसके विषय में कुछ पढ़ा, और अभी कुछ अन्य चीज़ें जो समान हैं उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। भक्त को अपने आदर्श, एक्चुअली डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, थैंक यू। अपने उदाहरण से दूसरों को सिखाना, ये स्वभाव ये व्यवहार में लाना है। तुम्ही भाल करियाच शिखाय अन्येरे यही मत भाल कर्म से हो ये न करे। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बोलते थे कि अच्छा है आप कर रहे हैं, और अभी अपने उदाहरण से दूसरों को सिखाइए। तो हमें कोई भी चीज़ दूसरों को सिखानी है तो निर्देश देना एक बात है, लेकिन साथ साथ या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने उदाहरण से दिखाना। क्योंकि अगर केवल निर्देश देते हैं लेकिन हमारे उदाहरण में हमारे चरित्र में वो नहीं है, उदाहरण से हम नहीं दिखाएंगे तो लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। अध्यापकों को, जिनके अंदर भी जो भी गुरु पद स्वीकार कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, इसलिए हम वो एक कहानी भी देखते हैं जिसमें कि एक माँ आ गई एक साधु के पास कि इस बच्चे को आप, ये बहुत गुड़ खाता है, इसको मना कीजिए गुड़ खाने के लिए। तो साधु ने तुरंत मना नहीं किया, पहले खुद खाना बंद किया तब जा करके फिर लड़के को बोला, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें आचरण से सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। कहावत भी है ना अंग्रेजी में, क्या है वो, हाँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। फिर भक्ति सेवा को बहुत ध्यानपूर्वक और उत्साह से करने की आवश्यकता। यत्नाग्रह विना भक्ति ना जन्माए प्रेम में। विदाउट सिंसियर एंडेवर इन डिवोशन सर्विस वन कैनॉट अटेन लव ऑफ गॉडहेड। इसके विषय में पहले भी हमने चर्चा की कि केवल इच्छा करने से नहीं काम चलेगा, जो भी उसके लिए आवश्यक कार्य है वो भी करना पड़ेगा, जो भी कुछ जरूरी है। महाराज एक बात लिखते हैं इसमें, ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि एक भक्त का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि जो भी कुछ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जरूरी है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो हमारी सबकी इच्छा हो सकती है हाँ कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे अनर्थों को निकालना होता है, बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं। और बहुत बार क्या होता है, अक्सर हमेशा से अनर्थ जो हैं वो ऐसा नहीं कि हमेशा से प्रकट होते हैं, बहुत से अनर्थ तो समय आने पर प्रकट होते हैं। तो सामान्य रूप से हमें लगेगा हाँ हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जब वो समय परिस्थिति आने पर वो कोई विशेष अनर्थ प्रकट होते हैं तो फिर हम उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करें तो फिर वो अनर्थ जो है वो हमारी प्रगति को रोक देते हैं। और बहुत बार हमें फिर निर्णय लेना होता है कि हमें अनर्थ चाहिए या प्रगति चाहिए। अनर्थ चाहिए मतलब अनर्थ, अगर प्रगति चाहिए तो फिर अनर्थ को निकालना पड़ेगा, लेकिन कई बार फिर हम उसके लिए तैयार नहीं होते, हम उस अनर्थ को बनाए रखना ज़्यादा स्वीकार करते हैं क्योंकि वो बहुत कष्टदायी होता है और हम उससे आसक्त होते हैं अनर्थों से अपने, इसलिए वो परीक्षा है हम सबकी। जब जब अनर्थ प्रकट हों तब तब उन अनर्थों को खींच के निकाल के बाहर फेंकना, उसमें उसके लिए तैयार होना, तब परीक्षा आएगी कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हम सब बोल सकते हैं हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं, कृष्ण प्रेम, लेकिन हम कृष्ण प्रेम भी चाहते हैं और अनर्थ भी चाहते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन दोनों चीज़ साथ में होती नहीं है। इसलिए कृष्ण प्रेम चाहने का मतलब अनर्थ को सबको निकालना पड़ेगा। जैसे वो भारी भारी पत्थर हैं, वो पत्थर भी रखना चाहते हैं और क्रॉस भी करना चाहते हैं नदी को, तो वो दोनों साथ साथ नहीं होगा, तो फिर डिसीजन लेना पड़ता है फिर क्या करें, ये कि वो। और ये हर क्षण ऐसे से हमको परीक्षाएं आएंगी।
आगे, दूसरों के दुख को देख करके दुख अनुभव होना। जीवेर दुख देखी मोरा हृदय बिदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शीरे। जीवेर पाप लैया मुई करोन नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भव रोग। वासुदेव उन्होंने प्रार्थना की थी चैतन्य महाप्रभु से। तो ये सबसे हमें सीखना है, जीवेर दुख देखी मोरा हृदय बिदरे, कि दूसरों का दुख देख करके हमारा, कि मेरा हृदय जो है वो व्यथित हो रहा है। ये एक एक गुण जो है बहुत महान गुण हैं और हमारे अनर्थों की वजह से हम इनसे बहुत दूर हैं, लेकिन इस पे बार बार विचार करने से, मेडिटेशन करने से, सोचने से और फिर प्रयास करने से, जब ऐसा आए तो उसके लिए कुछ प्रयास करें तो धीरे धीरे ये गुण आएंगे। और जिन भक्तों के अंदर ये गुण हैं उनका संग करने से सबसे ज़्यादा ये गुण हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमने देखा था। कोई भी गुण प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिन भक्तों के अंदर वो गुण हैं उनका संग करने से हमारे अंदर वो गुण आते हैं, और इसी प्रकार से बुरे गुण भी आते हैं, तो इसलिए चूज़ करना होगा एसोसिएशन। तो दुख मतलब अंततः जो भी कृष्ण भक्त नहीं है वो सब दुखी हैं, चाहे वो भले ही मायावश माया सुख से सुखी लग रहे हों, लेकिन अंततः सब दुखी हैं। फिर उसके लिए जो भी करना हो हमें, एक व्यक्ति को सबको कृष्ण भक्ति में लाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ करना उसके अंतर्गत आ गया। जैसे वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम तो बहुत ही व्यवस्था है, इसका डायरेक्टली आध्यात्मिकता से डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्यों प्रयास कर रहे हैं कि इसको स्थापित हो, क्योंकि ये अंततः भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। इसलिए तो इसलिए अगर हमारे चित्त में ये भावना होगी, किसी के दुख को देख रहे हैं हम और उसका निवारण करने के लिए हम तत्पर होंगे, तो फिर इसके जो भी जरूरी है वो करने के लिए हम तैयार होंगे। फिर हृदय को शुद्ध होने की आवश्यकता, इसके विषय में कहा है, सहज निर्मल एई ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वसीते ही योग्यता स्थान होए, योग्य स्थान होए। तो भगवान के वास करने का योग्य स्थान है, क्योंकि ये ब्राह्मण का हृदय सहज निर्मल है। तो हृदय निर्मल यानी कि उसमें ये सब अनर्थ और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब नहीं होंगे, तो ही कृष्ण का वास के लिए वो योग्य होगा, अन्यथा कृष्ण कोटि कोटि दूर उससे रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ा कार्य है, बहुत समय तक चलेगा, बहुत उसके लिए जतन करना पड़ेगा, बार 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 परीक्षा, बार बार विचार कि रख लूँ अनर्थों को, छोड़ूँ क्या करूँ, ये सब चलता रहेगा। बहुत कड़वी दवाई है अनर्थों को निकालना। जब अनर्थ व्यक्त नहीं होते हैं तब लगता है सब आसान है, बढ़िया चल रहा है जीवन, लेकिन जब व्यक्त होते हैं तब बहुत कड़वा लगता है। ईर्ष्या छोड़ना, दूसरों के सुख से उत्पन्न दुख, दूसरों के सुख से उत्पन्न दुख, उसको ईर्ष्या कहते हैं। दूसरों की उन्नति को, प्रगति को देख करके जब हमें दुख होता है। मात्सर्य चंडाल केन ईहान वसाइले, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैले। वाई हैव यू अलाउड जेलसी टू सिट हेयर ऑल्सो, because of this you have become like a chandal, the lowest of man, and you have also contaminated a most purified place, your heart. to ye hriday ko bhi aapne dushit kar diya usme ye matsarya ko sthan de karke, aur hum anubhav kar sakte hain agar hamare hriday ke andar matsaryata hai to jalan hogi, wo burning, aur usme fir kaise bhakti ka komal aur ye sundar lata jo hai wo kaise usme badhegi agar kisi ke prati hamare andar matsaryata hai। तो अगर हमारे हृदय में वो दिख रही है, कई बार तो दिखती नहीं है, इतना ज़्यादा काले बादल छाए होते हैं कि दिखता ही नहीं है कुछ, तो थोड़ा शुद्धि होगी तो कुछ दिखना शुरू होगा, और जब दिखे तो फिर उसको उखाड़ करके फेंकने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है, काफ़ी समय चलेगा वो प्रयास। अपने जीवन में तो मैं देख पा रहा हूँ ये होते हुए, मास्टर था बहुत डीप रूटेड है। एक ही बात है,
चैतन्य महाप्रभु का प्रगाढ़ अनुयायी होना चाहिए भक्त को। प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्त गण, भक्त धर्म हानि प्रभुरा ना है सहन। ऑल द डिवोटीज वुड अबैंडन ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटीज फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु सेक, येट द लॉर्ड डिड नॉट लाइक द डिवोटीज गिविंग अप देयर प्रॉमिस्ड ड्यूटीज। मतलब एक भक्तगण का चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना प्रगाढ़ था कि वो सभी सामान्य धर्म छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते कि हम इस प्रकार सामान्य धर्म छोड़ें। अर्थात प्रगाढ़ श्रद्धा और उनका अनुशीलन करने के लिए तत्पर होना। तो जो हमारे गुरुजन हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, उनको पालन करने के लिए जो भी छोड़ना है अनर्थ, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना, ये सब शरणागति की बातें हैं। और शरणागति आसान नहीं है, पूर्ण शरणागति। फिर एक भक्त को हमेशा सम होना चाहिए, सम निरपेक्ष, निरपेक्ष होना चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए अपने स्वार्थ के, उसको पक्ष लेना बोलते हैं। धर्म को स्थापित करने के लिए, सही और गलत को स्थापित करने के लिए हम कहें ये सही है ये गलत है, वो पक्ष लेना नहीं हुआ। पक्ष लेना मतलब अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का एक का पक्ष लेते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्थ पक्ष लेना। ये हमारा सगा संबंधी है, या ये हमारा कुछ ऐसे, हमारा इससे कुछ लाभ हो रहा है, भौतिक अटैचमेंट आ सकती है, उस वजह से हम किसी का पक्ष लेते हैं, उसको बोलते हैं पक्ष लेना। निरपेक्ष नहीं ले धर्म न्याय रक्षणे, विदाउट बीइंग न्यूट्रल वन कैनॉट प्रोटेक्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स। धर्म का रक्षण करना है तो सम होना पड़ेगा। यदि हमारा उसमें कहीं स्वार्थ आ गया तो फिर हम धर्म का विचार नहीं कर पाएंगे, सही क्या गलत क्या है, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ गया। इसलिए धर्म का रक्षण करने के लिए, विशेष रूप से जो धर्म का रक्षण करने की जिम्मेदारी है जिनके ऊपर, जो लीडरशिप रोल में है, तो उनके लिए ये समता बहुत जरूरी है। अपना पराया एक और कोई भी विचार उसमें नहीं होना चाहिए, निरपेक्ष होने की आवश्यकता है। एक भक्त को अन्य वैष्णवों का अपराध करने की, उनका अपमान करने के प्रति बहुत डरना चाहिए अपमान करने से। महान तेरा अपमान ये देश ग्राम होए, एक जनार दोषे सब देश उजड़ाए, उजाड़े। तो एक महान भक्त का यदि अपराध होता है तो एक व्यक्ति के अपराध से वो पूरा देश का, उस स्थान में रहने वाले लोगों का नाश हो जाता है। तो वो था ना, वो नित्यानंद प्रभु का अपमान किया था, क्या हुआ चांडी वो ब्राह्मण में, वो जो था वहाँ पर स्थान उसका, किनका दुर्गा पूजा का वो था स्थान वो पूजा करने का, तो वहाँ पर वो आए थे तो उनका अपमान किया था, तो उसकी वजह से वहाँ पूरे उस गांव के लोगों पे क्या आपत्ति आई थी, हाँ आई थी। उसी संदर्भ में ये उस समय श्लोक आता है, कहाँ आता है मुझे ध्यान नहीं। तो विशेष रूप से जो महान भक्त हैं, जो जितने ज़्यादा अधिक गंभीर हैं, जो जितने अधिक उन्नत हैं, ऐसे भक्तों का अपमान करने से जो भी उनके अड़ोसी पड़ोसी संबंधी हैं सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं पर भी अपमान हो रहा है तो उससे इतना सारा सारा एरिया कंटेमिनेट हो जाता है, आसपास का सब एरिया, इतना उसका दुष्प्रभाव है। चैवन उसका अपराध किया था वो, तो सभी सैनिक जो राजा थे सबके मन राजा बताते हैं हमसे किसी न किसी से अपराध हुआ जो जाते हैं उनकी यस। और वो तो उनकी योग सिद्धि की वजह से भी, वो तो योगी भी थे। एक भक्त को चाहिए कि वो क्षमा देने का अभ्यास करें। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, दीने दया करे यही साधु स्वभाव होए।
प्रभु बोले विप्र सभा दंत परिहारी भज गिया कृष्ण सर्वभूते हय करी। ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर डिवोटी इज दैट ही एक्सक्यूजेज एनी ऑफेंस बाय एन इग्नोरेंट रास्कल। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सेंटली पर्सन्स टू बी काइंड टूवर्ड द पुअर एंड फॉलन। द लॉर्ड सेड ओ ब्राह्मण गिव अप ऑल प्राइड एंड सर्व कृष्ण बाय शोइंग मर्सी टू ऑल। तो अज्ञानी लोग हैं उनके प्रति जो भी सुधारने के लिए आवश्यक है वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर सुधारने के लिए क्षमा आवश्यकता है तो क्षमा, मतलब वो अपने एक टेम्पर की वजह से क्रोधित या नहीं होना चाहिए। जो आवश्यक है उसके अनुसार कार्य करना, जो उसके हित के लिए या परिस्थिति के हित के लिए जो जरूरी है उस प्रकार से कार्य होना चाहिए। किसी वस्तु के लिए हमें क्रोध आए और हम उस क्रोध के अभिवेश में आकर के कुछ कार्य करें तो गलत होगा, लेकिन उस व्यक्ति की प्रगति के लिए या वो जो समाज है उसकी प्रगति के लिए जो जरूरी है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। अपने उदाहरण से प्रचार करना, आचार प्रचार नामेर करह द्वि कार्य तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आज्य। एक भक्त को वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। मर्यादा का रक्षण करना वो साधु का भूषण होता है। तो ये सब मर्यादा सीखनी है वर्णाश्रम के अंतर्गत डीलिंग्स में, बहुत सारी ये सब जो भी मर्यादा है उसको सीखना, उसको रक्षण करने का, रक्षण करना वो साधु का स्वभाव है, भूषण है। एक भक्त को यश की इच्छा का त्याग करना चाहिए, महानुभवेर ऐ सहज स्वभाव होय आप नारा गुण नाही आपने कहे। खुद अपने आप मियाँ मिट्ठू बनना, सामान्य भाषा में बोलते हैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपना गुणगान अपने आप नहीं करना चाहिए। मतलब यश सुनने की तो बात क्या, अपने आप ही कई लोग, हम लोग अपना गुणगान भी करने में बड़ा अच्छा लगता है हमको। बहुत हास्यास्पद हो जाता है, नहीं सब लोग देख पाते हैं क्या शुरू हो गए अभी, हम लोग अपना अपना गुणगान करते हैं। तो यश प्राप्त करने की इच्छा है तो वो नहीं होना चाहिए। फिर विनम्रता ह्यूमिलिटी, वो एक भक्त का के अंदर एक आवश्यक गुण है। प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंध सेई माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध, कि जहाँ पर प्रेम होता है उसका स्वभाव क्या है, नाही मोर प्रेम गंध, मेरे में कृष्ण प्रेम की एक गंध भी नहीं है मेरे में, ऐसा उसको अनुभव होगा जहाँ पर प्रेम होगा, ये प्रेम का स्वभाव है। और जहाँ पर कोई सोचे कि हाँ अभी हमें, हम अभी कृष्ण प्रेम, हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो मतलब वहाँ पर विनम्रता नहीं है, वहाँ पर वास्तव में प्रेम नहीं है। एक भक्त को प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। मतलब ये स्पर्धा में मुझे जीतना है, उससे आनंद लेना। हम भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए स्पर्धा कर सकते हैं, कैसे भगवान की सेवा को बढ़ाएं, लेकिन अब मेरा सुख उसमें हो, मैं नंबर वन आया, इस दृष्टि से वो स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय करीबा विद्यार कार्य नहे ईश्वरे भजिले से विद्या सत्य कहे। तो विद्या का के पीछे हेतु नहीं दिग्विजयी बनना है, सबको हरा देना है और उससे उसमें आनंद प्राप्त करना है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन कृष्ण भजन ये विद्या, ये सत्य विद्या है। तो जैसे अभी वहाँ पर थे हम पदयात्रा में, तो वहाँ पर हर रोज़ जो है सुबह अनाउंसमेंट होता था किसने कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की।
तो एक भक्त हर रोज उनका एक ही उनका ही नाम आता था नंबर वन, बाकी सब तो बहुत ही पीछे थे। वो उनका हर रोज़ जो है 50-60 बुक रहता था और बाकी सबका 20-25-15-2-1-3। तो मैंने जब शुरू किया तो ये भावना थी कि हाँ ठीक है, अभी एक मौका मिला है, बहुत समय से बुक डिशन ज़्यादा कर नहीं पाते हैं टेंपल्स के अंदर, तो अभी प्रभुपाद की सेवा के लिए अभी ये कार्य करेंगे। लेकिन मैंने देखा 2-4 दिन के बाद थोड़ा कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अंदर आ रही थी कुछ, मुझे भी लग रहा था कि सुबह सुबह जा करके नाम सुनने की इच्छा थी, किसका नाम आया आज। तो मुझे लगा कि ये बहुत साधारण है, कंपटीशन में ये आसान है कि तुरंत वो सार जो है वहाँ से बदल करके इधर आया था, नाम आना चाहिए उसके प्रति एकदम से आसक्ति आए थे, ये सारे बीज तो भरे हुए हैं तो बड़ी आसान है उसमें आना। और तो उस पर मतलब मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, कि इसलिए नहीं है कि ये हम नाम आए। और इसके लिए कुछ व्यावहारिक चीज़ें, जैसे कि जो भक्त हैं जो हमसे आगे हैं तो रियली उनकी भी सबकी मदद करना और बुक डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब हमारी चेतना ये होनी चाहिए कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि नहीं। तो कई बार क्या होता है कि कोई भक्त हमको मिला चलते चलते, ऐसे कई बार क्या होता है ऐसा इस रिक्श उसमें आ रहे हैं बाइक पे, तो हमने रुका, अभी रुकते 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 100 मीटर निकल गए तब दूसरा भक्त मिला। तो वे बोलते नहीं एक्चुअली पहले तो मैंने ही रोका था उसको। बहुत ऐसा होता है वहाँ पर, एक को दिखा रहे तो क्या लोगों का टाइम लगता है ना माइंड बनने में, हमने दिखाया फिर दूसरे ने दिखाया, वहाँ 4-5 हैं एक एक करके, तो पता लगा वो दूसरे तीसरे पे नंबर पे आया, ऐसे होता है। तो उस समय में अभी हम कैरिड अवे आ सकते हैं, अरे नंबर आना है आना है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं कोई बात नहीं उसका है। और देना पड़ता है ये वक्त, हाँ उसको दीजिए उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, सो कुछ अभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो स्वाभाविक रूप से तो यही होता है कि हम उसमें बह जाएँ, हाँ मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। तो यहाँ पर है कोई स्पर्धा हमारी? तो इस स्पर्धा को प्रॉपर कृष्ण भावनामृत में बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपस में दुर्भावना जन्म जाती है, फिर ईर्ष्या द्वेष वो खराब हो जाता है सबका। तो स्पर्धा जो है वो इसीलिए है कि अंततः वो मतलब सेकेंडरी है उसका, वो स्पर्धा का उद्देश्य केवल ये है कि कृष्ण सेवा और अधिक कैसे हो सके, और अधिक हम कैसे गंभीर बन सके, यही है उसका उद्देश्य, बाकी उसका वो प्राइमरी नहीं है वो स्पर्धा, वो केवल कृष्ण संतुष्टि के लिए ज़्यादा हम कैसे और प्रयास कर सके, भगवान कैसे ज़्यादा बुक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ये पर्पस है स्पर्धा का, करेक्ट। जैसे प्रभुपाद ने वो स्पर्धा किस लिए रखी, स्पर्धा होने से हम और ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, कृष्ण ज़्यादा संतुष्ट होंगे, ये उसका पर्पस है। लेकिन अगर हम वो स्पर्धा में ही पूरा एब्जॉर्ब हो जाएँ तो मेन पर्पस भूल जाएंगे और हम सोचेंगे स्पर्धा ही अपने आप में मुख्य हेतु है स्पर्धा का, कौन नंबर कौन आ रहा है कौन आगे आ रहा है, वो मुख्य नहीं है, मुख्य यह है कि कितना ज़्यादा हम आगे बढ़ ज़्यादा सेवा कर पा रहे हैं, ये मुख्य है। फिर दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए एक भक्त को, ए सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद मोर द्रोहे नहु यही सबार अपराध। तो हरिदास ठाकुर जब उनको कोड़े मारते हैं या जीसस क्राइस्ट जब उनको सूली पे चढ़ाते हैं तो उन्होंने भी यही प्रार्थना की थी, ओ लॉर्ड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग प्लीज़ फॉरगिव देम, समथिंग लाइक दैट। तो वही भावना है यहाँ पर भी कि हे भगवान ये सब जीवों के ऊपर आप प्रसाद इनको दीजिए, इन पर कृपा कीजिए, और ये जो मेरे को कष्ट दे रहे हैं इसके लिए इनको माफ़ कीजिए। तो एक दुश्मन के प्रति भी जो हमसे दुश्मनी रखता है उसके प्रति भी ऐसा भावना होनी चाहिए, अजात शत्रु वह, एक भक्त जो है वो किसी का शत्रु नहीं होता है, भले ही लोग उसको समझें कि ये हमारा शत्रु है लेकिन वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, और कोई शत्रु व्यवहार करता है तो वो इसी प्रकार से उसको लेता है कि ठीक है मेरे कर्म फल के अनुसार ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जो भी हो रहा है वो तो एक माध्यम बन रहे हैं,
अंततः तो जो भी हम भुगतेंगे अपने कर्म फल के अनुसार भुगतेंगे। तो अपने इस इंद्रिय भोग के लिए हमें कभी भी रिटेलिएट उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। केंद्र होना चाहिए केवल भगवान की सेवा। उस सेवा के अनुसार कोई व्यक्ति विघ्न कर रहा है और उसमें सेवा में समस्या, और ये भगवान की सेवा को संरक्षित करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं। भक्तों कोई अपराध कर रहा है उसके लिए कदम उठाएं, लेकिन अपना इंद्रिय भोग के ऊपर कोई प्रहार हो तो उसके लिए प्रतिकार नहीं होना चाहिए। एक भक्त को घमंड और यश और धोखा देने की इन टेंडेंसीज, इन लक्षणों को छोड़ना चाहिए। बड़ा लोक करी लोक जानू का आमारे, आपनारे प्रकटा धर्म करे कर्म करे, ए सकल दाम्बिकेर कृष्ण प्रीति नाई, एक ही तव हैले से कृष्ण भक्ति पाई। ये सब चैतन्य भागवत में से हैं। ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट पर्सन बाय इमिटेटिंग सम रिलीजियस सेंटिमेंट्स। एक्चुअली दिस एरोगेंट एंड डिसीटफुल ब्राह्मण हैज नो लव फॉर कृष्णा। टू अचीव द ट्रांस डिवोशन सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा वन हैज टू बी फ्री फ्रॉम डुप्लीसिटी। एक भक्त को जाति की जो चेतना है उसको छोड़ना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी भक्त को देखना, अधम कुलेते यदि विष्णु भक्ति होए तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र कहे। यदि कोई अधम कुल में भी जन्म ले रहा है लेकिन वहाँ विष्णु भक्ति है तो वो पूजनीय है, सभी शास्त्र बखान करते हैं। उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुले तारे की करीबे नर केते मजे। और अगर कोई उच्च कुल में जन्म लेता है लेकिन अगर कृष्ण भजन वहाँ नहीं है तो फिर वो नरक में जाएगा। तो इसलिए कोई भी भक्त के जन्म जाति के अनुसार हमें उसको नहीं देखना चाहिए, वो एक अपराध है। वो आगे भी आएगा उपदेशामृत के अंदर भी। और वर्ण के अनुसार यानी वास्तव में जो उसके गुण हैं उसके अनुसार, तो उसके अनुसार हमारी डीलिंग्स अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, होनी चाहिए अलग अलग वर्णों के अनुसार। लेकिन अंततः वर्ण जो है वो अपने आप में लक्ष्य तो नहीं है, लक्ष्य तो अंततः है भक्ति। इसलिए वास्तव में कौन प्रगत है और कौन नहीं है उसका विचार तो उनकी भगवान की सेवा के प्रति कितनी दृढ़ता है उसके आधार पर होना चाहिए। राजा का एक ईश्वर भाव, वो कैसा, वो भक्ति भी करना है, ईश्वर भाव कैसा होना, उनका रखना जरूरी है। गुरु कैसे बनेंगे, गुरु अपोजिट है, तो इसलिए आंतरिक रूप से वो भाव रखना होगा। बाह्य रूप से वो कार्य है, मेरा ये ड्यूटी है, एक पोस्ट है। इवन माता पिता बच्चे के लिए आंतरिक भावना, तो ये कृष्णदास है और ये मुझसे प्रगत भी भक्त हो सकता है। इवन गुरु के लिए भी शिष्य आंतरिक रूप से तो वो चाहते भी हैं कि शिष्य आगे बढ़ें और वो ज़्यादा प्रगत भक्त हो भी सकते हैं। हम बाह्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वो एटिकेट्स चलते हैं, लेकिन अंदर से तो ये संभव है। तो ये इतना मैच्योर तो होना पड़ेगा वो तो, क्योंकि समाज के अंदर गुरु पद से स्वीकार करना पड़ेगा। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, माता पिता हैं, ये सब वरिष्ठ हैं, तो करना पड़ेगा। लेकिन जितनी हमारी चेतना होगी कि अल्टीमेटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन है कि हम दास हैं, वो अगर उसमें हम फिक्स्ड हो जाएंगे तो फिर कोई भी पोजिशन लेने में क्या दिक्कत है। जैसे एक जगह वो कहीं उसमें आता है, हरी स्वामी प्रभु की बुक में या कहीं मैंने पढ़ा, तो श्रील प्रभुपाद ऐसे कक्ष में बैठे थे अपने और फिर अभी प्रवचन देने के लिए जा रहे थे, तो प्रभुपाद ऐसे करके अभी मतलब एक अभी एक रोल प्ले करने जा रहे हैं। आंतरिक दृष्टि से कृष्णदास, लेकिन रोल प्ले करने के लिए एक रोल है हमारा भगवान की सेवा में, उस प्रकार से समझ रखनी बहुत ज़रूरी है। एक भक्त को एक गधे की तरह से शास्त्रों को बर्डन की तरह से, एक वजन की तरह से नहीं रखना चाहिए, उसे उनके तात्पर्य को ढंग से समझना चाहिए। यानी शास्त्रों के मर्म को नहीं समझते हुए केवल बस
याद कर लिया लेकिन उसका मर्म नहीं पता है, उसका कैसे एप्लीकेशन करना है वो नहीं पता है, तो वो वजन हो जाता है। शास्त्र ना जाने मर्म अध्यापन करे गर्द भेर प्राय येन शास्त्र बही मरे। वन हु टीचेस द स्क्रिप्चर्स विदाउट नोइंग देयर पर्पट इज लाइक एन एस कैरिंग द लोड ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। और व्यक्तिगत उसमें अनुभव में भी हम थोड़ा देखे हैं, कई बार कुछ भक्त होते हैं वो बहुत सारे, जैसे मुझसे पर्सनली मैं कुछ ऐसे भक्तों को जानता हूँ, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। भक्ति सामर सिंधु पढ़ रहे हैं उसमें कोई बहुत उसमें ऐसे विषय आ रहे हैं गहरे विषय, अब वो उसको पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, लेकिन उनका व्यावहारिक व्यक्तिगत जीवन में हम देख रहे हैं कि वो सेवा तो नहीं कर रहे हैं। उनका ओवरऑल जो जीवन है उसमें भगवान की सेवा करना वो प्राथमिक नहीं है, लेकिन वो एक केवल एक उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं पुस्तक पढ़ 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 के। तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि उनको कुछ समय में नहीं आता है, इसलिए वो सेवा भावना में जब शास्त्रों को पढ़ा जाएगा तभी वो शास्त्र समय में आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। और ये जो शास्त्रों को समझना है इसमें एक लेक्चर में महाराज बताते हैं, जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है कि परोक्ष वेद, ये शास्त्र जो है ये सब इनडायरेक्टली, इसमें जो मर्म है वो परोक्ष रूप से व्यक्त है। इसलिए कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र जो है सिस्टमेटिक नहीं है, ऐसे ऐसे हैं, थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं है, इतना क्लियरली उसको डिफाइन नहीं है, सब ऐसे थोड़ा रहस्यात्मक तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। भगवद्गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहीं कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, फिर इधर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो परोक्षवाद मम प्रिय, भगवान बोलते हैं इस तरह ये मुझे अच्छा लगता है परोक्षवाद, इस प्रकार से परोक्ष रूप से व्यक्त करना। तो उसमें महाराज एक्सप्लेन करते हैं एक प्रवचन में, क्योंकि भौतिक इंटेलिजेंस से चीज़ों को समझा नहीं जा सकता है, उसके लिए एक आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए। तो ये शास्त्रों के विषय इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किए हैं जो कि एक भौतिक इंटेलिजेंट मटेरियल इंटेलिजेंस को अपील हो, वो उससे दूरी भागते हैं, उनके मटेरियल इंटेलिजेंस विल नॉट एंटर इनटू इट, उसके लिए वही चाहिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए, तभी वो सब वाक्य जो है सब कॉन्ट्रडिक्शन कैसे क्या हो रहा है वो सब समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे ही खेल जाएंगे, उलझ जाएंगे उसके अंदर ही, यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा कॉन्ट्रडिक्शंस, तो उसके लिए कृपा चाहिए उसके लिए, नहीं तो नहीं समझ में आ सकता ये। एक भक्त को सेवा अपराध छोड़ने चाहिए। सेवा विग्रहेर प्रति अनादर यार यार विष्णु स्थाने अपराध सर्वथा तहार। वन हु हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द डेटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज कॉन्स्टेंटली कमिटिंग ऑफेंसेज एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो सेवा अपराध, नाम अपराध और फिर सेवा अपराध। तो अर्चक विग्रह के सेवन में सेवा अपराध अगर होंगे तो फिर क्या होगा, हमारा भक्ति में प्रगति कैसे होगी। इसीलिए अर्चक विग्रह सेवन के लिए इतने सारे नियम बनाए गए, वो सब नियमों को पहले तो जानना चाहिए, लेकिन अभी क्या होता है कभी कभी कि हम लोग अर्चक विग्रह सेवन शुरू कर देते हैं बिना जाने कि उनके क्या क्या नियम हैं, फिर तो सेवा अपराध हो गई है ना। जैसे एक आता है इसमें कि प्रभुपाद ने गौर निताय डेटीज, कभी एक प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है कि हम गौर निताय डेटीज बनाएं और ऐसे जो हमारे जो ये वेलविशर्स हैं और उनको जो है दें और इस तरह से उनको सिखाएं डेटी वर्शिप। तो उस चीज़ को लेकर कई भक्त लोग ऐसा विचार रखते हैं, तो प्रभुपाद ने तो इसको इवन डोनर जो हैं वेलविशर्स जो हैं उनको भी देने के लिए बोला गौर निताय डेटीज। तो पहली बात तो श्री प्रभुपाद उस माध्यम से उनको
भक्त बना करके उस स्तर तक लाने की बात कर रहे हैं कि वो लोग इस प्रकार से डेटी वर्शिप करने के स्टैंडर्ड और भक्त बन पाए, ना कि वो जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे ही रह करके भक्ति करते रहें, ऐसा आशय नहीं है। और प्रभुपाद ने इसको कभी भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, केवल एक जगह स्टेटमेंट दिया। लेकिन फिर अन्य जगह और स्टेटमेंट भी हैं कि घर में भी जो डेटी वर्शिप हो रही है उसमें क्या होना चाहिए, ब्राह्मी का इनिशिएशन होना चाहिए। और यस, फिर एक और आता है कि गौर निताय जो है वो तो मर्सीफुल है, तो इसलिए उसमें तो वो तो सेवा अपराध होते लेते नहीं है, इसलिए करते रहो। तो वो क्या भावना है? वो तो ये है कि पाप के नाम के बल पे पाप करना, कि हमने जान लिया कि भगवान का नाम जो है वो पापों को ख़त्म कर देता है, तो ठीक है अभी तो ये हमें एक मिल गया, पाप करने का एक लाइसेंस मिल गया, तो वो फिर माफ़ नहीं होता है। वो टेंडेंसी जो है वो बहुत बड़ी नाशक है वो। तो उसी प्रकार से अगर हम ये मेंटेलिटी में हम गॉड इंटायर वर्शिप कर रहे हैं कि अभी तो हमें पता लग गया कि कैसे कम से कम सेवा करनी है, इसलिए तो फिर क्यों हम सेवा ले रहे हैं? अगर हमारा एटीट्यूड ये है कि हमें कम से कम सेवा में काम चल जाए हमारा, या अपराध करने में भी नहीं लगे, तो अपराधी बुद्धि हो गई ना करने में, है ना? तो ये बात है। तो यस, चैतन्य महाप्रभु गौर निताय, उनकी वर्शिप के अंदर स्टैंडर्ड्स कम हैं, लेकिन भावना तो यही होनी चाहिए कि हम कैसे बेस्ट पॉसिबल कर सकें उनके लिए। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि ये तो नहीं, सेवा अपराध नहीं लेते हैं इसलिए हम करते जाएंगे, वो भावना तो वो अपने आप में गलत है। शास्त्रों के अंदर यस यस, लेकिन भक्त समझते हैं कुछ भी हम विम्सिकली कर सकते हैं, जो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हम पालन कर पाएंगे वो जो कम से कम मेंशन किया उससे काफी कम होते हैं। हाँ, जो भी है वो तो शास्त्रों के अनुसार वर्णित होने चाहिए। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विचार है, सेवा विग्रह है कि इसमें एक भक्त को अपनी भौतिक जो शिक्षा है उसका घमंड नहीं रखना चाहिए। की करीबे विद्या धन रूप यश कुले अहंकार बाड़ी सब पड़े निर्मूले। तो विद्या धन रूप यश कुल, तो इससे अगर हमें इसका अहंकार, ये केवल अहंकार ही बढ़ाता है और उससे फिर पतन होता है। तो जो भी हमारे अंदर भौतिक योग्यता है उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। भौतिक अलग अलग प्रकार की योग्यता सबके अंदर हो सकती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है भौतिक, लेकिन अगर वो अहंकार उसमें आ गया तो फिर वो नष्ट का मार्ग वहाँ से प्रारंभ हो गया। एक भक्त को वैष्णव सिद्धांतों में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। उसे सामाजिक कारणों से अपने विचार नहीं बनाने चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वैष्णव सिद्धांत जो है उसमें अडिग रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अपने विचार हम बदलते रहें। इसका क्या, कैसे प्रैक्टिकली आज कैसे हो रहा है वो हम थोड़ा देखेंगे। क्षणे दंते तृण लय क्षणे जाठी मारे ओ खड़ जाठिया बेटा ना देखी बे मोरे प्रभु बले ओ बेटा ये खने यथा याय सेई मत कथक कही तथाई मिशाए भक्ति स्थाने उहार होइल अपराध एकते उहार होइले दर्शन बाद। समटाइम्स ही टेक्स स्ट्रॉ इन इज माउथ एंड समटाइम्स ही बीट्स मी विद ए स्टिक। कभी तो दंत में तृण लेकर के आता है और कभी लाठी से मारता है मुझे। देयरफॉर इज नॉट फिट टू सी मी। The Lord continued, wherever he goes, he mixes with those people and talks like them. जिन लोगों के साथ जाता है वैसे ही बोलना शुरू कर देता है, करेक्ट। ही इज एन ऑफेंडर एट द फीट ऑफ भक्ति, दैट इज वाई ही इज फॉरबिडन टू सी मी। इसलिए वो भक्ति देवी का अपराध कर रहा है और इसलिए मैं उसको देखना नहीं चाहता। अभी हम लोग पॉलिटिशियंस के बीच में जाएं, पॉलिटिशियंस को जैसा अच्छा लगे वैसे ही बात करने लगे, करेक्ट। लोगों को जैसा चाहिए वैसा उस तरह से हम बोलने लगे, तो ये अपराध है कि नहीं है? ये देखिए सिद्धांत यहाँ बताया है। और आज कभी कैसा हम देख रहे हैं होते हुए, है ना? आज नारी स्वतंत्रता की बात चल रही है तो नारियों के बीच में जाएंगे तो बोले हाँ नारी स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता, जहाँ गए वहाँ की टोपी पहन ली। भक्तों के बीच में
हाँ भागवतम कक्षा होगी तो भागवतम, और फिर बाहर जाएंगे तो फिर दूसरे प्रकार का, जो जहाँ जैसा है वहाँ वैसा। नंदग्राम में आएंगे तो सिंपल लिंग पे कक्षा। या तो वो एक वो देखिए यहाँ पर हमको ये मिल रहा है कि ऐसे भक्ति सिद्धांत जो है वो सिद्धांत जहाँ है हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, हमें उसी का ही पालन करना है, उसी को बोलना है। ऐसा नहीं कि वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए अलग 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 कुछ बोलना है। फिर उससे संबंधित है, किसी एक वैष्णव के विरुद्ध वो लेना, पक्ष ग्रहण करना, वो नहीं करना चाहिए। ये पापिष्ट एक वैष्णवेर पक्ष है, अन्य वैष्णवेर निंदा से याय क्षय। ए सिनफुल पर्सन हु टेक्स द साइड ऑफ वन वैष्णव एंड कंडेम्स अदर इज वैंक्विश्ड। वो एक पक्ष की बात है वहाँ पर, तो एक पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, दूसरे का फिर अपराध हो जाएगा। यहाँ पर पक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर कोई सही है शास्त्र के अनुसार तो हम बोलें, अगर हम जो सही बोल रहा है शास्त्र के अनुसार उसका करेंगे तो दूसरे का अपराध हो जाएगा, उसका ये अर्थ नहीं है। हमेशा इन सब चीज़ों में बात है कि अगर वो इंद्रिय भोग की दृष्टि से प्रेरित है तो ही वो अपराध बनेगा। जहाँ कृष्ण सेवा के लिए जो आवश्यक है वैसा करना वो अपराध नहीं, वो जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो भेद करना ही हम बंद कर देंगे। एक भक्त को पाप में कृतियों में नहीं लगना चाहिए भगवान नाम स्वीकार करने के बाद। प्रभु बोले तोरा आर ना कर इस पाप, जगाए मधाई बोले आर ना है बाप। The Lord said, "Do not commit further sins." Jagai and Madhai replied, "Never again, Lord, never." तो ठीक है, गलती जो हुई हुई, लेकिन दोबारा नहीं, बार बार नहीं। नास्तिकों से वार्तालाप कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। नगरे होइले किबा पाषंडी संभाष, यही वा कारण न है प्रेम प्रकाश। Did I speak with an atheist in town? Is that why love of God is not manifesting today? क्या मैंने किसी नास्तिक से बात की है, क्यों प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है? ये मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव किया। एक मेरे पूर्व जीवन में एक मेरे एक मित्र थे, वरिष्ठ मित्र, वो बहुत मेरे वो थे आदर्श। तो जब मैं कृष्ण भक्ति को प्रभुपाद के पास से कुछ ग्रहण किया तो मेरी इच्छा हुई उनको भी भक्ति के बारे में बताया जाए, तो मैंने उनको बताया, लेकिन वो पूरे नास्तिक निकले एक नंबर के। तो उनसे ऐसे पूरा लंबा डिस्कशन हुआ, उसका मुझे बड़ा ऐसे पूरा खाली खाली, वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। तो ऐसे कोई नास्तिक, हाँ जनिंद प्रभु आपको भी अनुभव है ऐसा? धर्मेश भिंडी वो तो ढके हुए थे, वास्तव में तो मान भक्त थे, कवर्ड एथीस्ट। हॉस्टल का रूम बहुत शुद्ध रहता था। अभक्तों के साथ संबंध छोड़ना। श्री अद्वैता प्रभु चैतन्य भागवत में ये बताते हैं, यदि मोर पुत्र है वा किनकर वैष्णवा पराधीने मुई ना देखोन गोचर। इवन इफ ही इज माई सन और सर्वेंट आई विल नेवर सी द फेस ऑफ ए पर्सन हु ऑफेंड्स वैष्णव। तो ऐसे संबंधी जो हैं, जो लोग वैष्णव अपराधी हैं, तो उनका साथ संबंध फॉर्मल हो सकता है, जस्ट रियल रिलेशनशिप नहीं रह सकती। ओके, तो ये कुछ विषय थे साधु वृत्ति के विषय में। अभी आगे समय तो हो गया, ठीक है, इसको कल से शुरू करेंगे, वही ठीक रहेगा। हरे कृष्णा, कोई टिप्पणी प्रश्न? श्री प्रभुपाद की जय।